हे दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया। आप अगर चैनल पे नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर द जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, और आपका कोई क्वेरीज है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, आज 11 फरवरी 2023 बात करेंगे इस वीडियो पे कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो चलिए एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटोमोबाइल कंपोनेंट बनाने वाला एक दिग्गज कंपनी मदरसन सुमी, जो कि लास्ट ईयर हमने देखा था डीमर्ज होने के बाद इसका जो वायरिंग हार्डनेस का बिजनेस था वो अलग से लिस्ट हुआ। तो मदरसन सुमी वायरिंग के ऊपर एक इंपॉर्टेंट अपडेट आया। लास्ट डे की अगर हम बात करें, फ्राइडे के दिन शेयर क्लोजिंग दिया था ऑलमोस्ट 1.81% तेजी के साथ। तो दोस्तों, आपको याद होगा कुछ टाइम पहले मदरसन सुमी वायरिंग का रिजल्ट आउट हुआ था। रिजल्ट में तो दोस्तों कुछ कुछ सेगमेंट पे हमें गिरावट भी देखने को मिला, कुछ कुछ सेगमेंट पे काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट भी देखने को मिला। तो उसको नज़र में रखते हुए कुछ ब्रोकरेज कंपनी, स्पेशली डोमेस्टिक ब्रोकरेज कंपनीज ने इसको कवर किया और अपना अपना स्टेटमेंट दिया, अपना अपना रेटिंग दिया, अपना अपना टारगेट किया। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि कौन सी लेवल पर यह टारगेट दिया। सबसे पहले हम बात करेंगे JM फाइनेंशियल ने, यहाँ पर आप देख सकते हो, जो कि बाइंग का रिकमेंडेशन दिया। यहाँ पर आप देखिए बाई रेटिंग और टारगेट प्राइस दिया काफ़ी ऊपर, ऑलमोस्ट 31% अपसाइड ये टारगेट दिया 70 रुपीज़ की टारगेट के साथ। नेक्स्ट अगर हम बात करें, चॉइस ब्रोकिंग ने भी इसको देखिए ऐड करने का रेटिंग दिया, ऐड करने का रेटिंग दिया और साथ साथ देखिए टारगेट प्राइस दिया 59 रुपीज़ का। तो यहाँ पे कोई बहुत लंबा चौड़ा टारगेट तो नहीं दिया, क्योंकि लास्ट डे भी हमने देखा था क्लोजिंग करीब करीब 53-54 रुपीज़ के आसपास हुआ था, और ये टारगेट दोस्तों शॉर्ट टर्म पर्पस ही यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एमकाई की तरफ से, यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि बाइंग का रेटिंग दिया, उसके साथ साथ जो टारगेट पहले दिया था 69, इसको चेंज करके आज की डेट में, मतलब जो कंपनी का रिजल्ट आउट हुआ उसके ऊपर बेस करके 67 रुपीज़ का टारगेट दिया। तो कहीं ना कहीं ये टारगेट भी दोस्तों थोड़ा सा ऊपरी लेवल का है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों मिड टर्म या लॉन्ग टर्म टारगेट ये आप कंसीडर कर सकते हो। तो मदरसन सुमी वेयरिंग की बात करें तो देखिए लास्ट डे शेयर 53.40 रुपये पे क्लोज तो दे दिया था, बट लास्ट एक महीने का चार्ट पैटर्न अगर हम ध्यान से देखें तो लगभग 54 रुपीज़ के आसपास देखिए यहाँ पे जो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया। छः महीने की बात करें तो हमने बार बार देखा शेयर जो 55 रुपीज़ का इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पे कहीं ना कहीं दोस्तों स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो मेरे तरफ से यहाँ पे जो आपको रिकमेंडेशन रहेगा, कंपनी का बिजनेस काफ़ी ठीक ठाक है, बहुत अच्छी है और लॉन्ग टर्म के लिए ठीक ठाक भी है, तो शेयर को एक बार 55 रुपीज़ का लेवल ब्रेक करके ऊपर स्टेबल होने दीजिए, उसके बाद इसमें आप आराम से इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हो। बाकी बात करें, आपके पास अगर शेयर है कोई भी लेवल पर आपने बाई किया, लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट है, आज की डेट पे कंपनी का नाम है आकाशदीप मेटल इंडस्ट्री लिमिटेड। लास्ट डे हमने देखा था फ्राइडे के दिन शेयर क्लोजिंग दिया था लगभग 3% गिरावट के साथ, और आज ही के दिन दोस्तों कंपनी अपने शेयर होल्डर के लिए स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया। तो चलिए मैं आपको स्टॉक स्प्लिट का रेशियो, उसके साथ साथ इसका रिकॉर्ड डेट भी दिखा देता हूँ। तो देखिए कंपनी ने 1:5 रेशियो में स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया, जिसका रिकॉर्ड डेट भी कंपनी यहाँ पे फिक्स्ड कर दिया 23rd of February 2023। इस यानी इसके अकॉर्डिंग आप अगर 21st February, ध्यान से सुनना, 21st February या तो उसके पहले इस कंपनी का शेयर परचेस करते हैं तभी जाके आप एलिजिबल शेयर होल्डर बन जाएंगे 1:5 रेशियो में स्प्लिट पाने के लिए। बात करेंगे कंपनी का रिटर्न्स का प्रोफाइल कैसा है, तो देखिए 6 महीने पे 5% का मामूली सा रिटर्न, बट 1 साल की बात करें शेयर अपना ऑल टाइम हाई, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो 170 रुपये की लेवल, वहाँ से काफ़ी नीचे पहुँच चुका है, उसके बावजूद भी 105% का रिटर्न आपको दिख जाएगा। और मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो मैक्सिमम भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया। लॉन्ग टर्म में देखिए बहुत पुराना लिस्टेड नहीं है, 2016 में लिस्ट हुआ था मार्केट में, तब से लेकर अभी तक काफ़ी अच्छा मोमेंटम क्रिएट हुआ। आप देखिए आज की डेट पे बात करें, जैसे जैसे मार्केट में थोड़ा प्रेशर है, ऑब्वियसली जो छोटे कंपनियां वहाँ पे प्रेशर और ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, तो जिस वजह से बेसिकली शेयर के अंदर इतना गिरावट हुआ। बाकी बात करें प्रॉफिटेबल कंपनियां, जिस वजह से आपके सामने में प्रेजेंट कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो नेट इनकम की बात करें, मतलब नेट प्रॉफिट रेवेन्यू की बात करें, मार्जिन की बात करें, इस बार मतलब लास्ट टाइम जब कंपनी का रिजल्ट आउट हुआ था काफ़ी अच्छा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। तो इसके ऊपर आप अच्छे से स्टडी करना, अच्छे से एनालाइज करना, उसके बाद ही जाके आप इसमें इन्वेस्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट, विप्रो लिमिटेड। तो लास्ट डे हमने देखा आईटी सेक्टर में तो हल्का फुल्का कमजोरी था, तो विप्रो लिमिटेड बड़े कंपनी है, तो इसके शेयर भी लगभग 0.75% गिरावट के साथ क्लोजिंग दिया। तो इंपॉर्टेंट अपडेट ऐसा है, देखिए IMT हैदराबाद इंक MOU with Wipro Limited, तो बेसिकली यहाँ पे दोनों कंपनी के बीच एक पार्टनरशिप हुआ है, IMT हैदराबाद उसके साथ साथ Wipro Limited। तो ऑब्वियसली यहाँ पे दोनों ही केस में यहाँ पे अच्छी बात है, क्योंकि जैसे जैसे ये पार्टनरशिप होगा कहीं ना कहीं फ़ायदा दोनों ही कंपनी को मिलता है। बात करेंगे Wipro Limited, तो देखिए Wipro Limited लास्ट कुछ टाइम से हमने देखा कि 400 रुपये के आसपास काफ़ी स्टेबल नज़र आ रहा है। तो बहुत लोग मुझे बार बार पूछ रहा था कि सर आपने बोला था कि शेयर एक बार स्टेबल हो जाने के बाद इन्वेस्ट करना, बट साथ साथ मैं आपको ये भी बोला था कि लॉन्ग टर्म की पॉइंट ऑफ व्यू को रख के इन्वेस्ट करना, बट साथ देखिए ऊपर की तरफ और एक इंपॉर्टेंट लेवल है 450 का लेवल, जो कि लगभग 7-8 महीने पहले हमने देखा था, ये शायद जैसे ही ये लेवल ब्रेक करके ऊपर आया था, देखिए
लगभग 6 महीने पहले की बात है, शेयर देखिए बार बार इसी लेवल के आसपास कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस फेस किया था। तो देखिए अगर आपका लॉन्ग टर्म बहुत लॉन्ग टर्म टारगेट है, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग चॉइस है, किसी का 20 साल का होल्ड करने का टारगेट, किसी 30 साल का होल्ड करने का टारगेट, तो देखिए आपका अगर बहुत लॉन्ग टर्म का है आप चाहे तो अभी भी इसी लेवल के ऊपर बाई करना शुरू कर सकते हो। बाकी बात करें आप अगर थोड़ा वेट करके बाइंग करना चाहते हो तो उस केस में मैं बोलूँगा 450 का लेवल ब्रेक करने दीजिए अच्छे से, उसके बाद इन्वेस्ट करना। बाकी अच्छी कंपनियां लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दीजिए आपके पास अगर शेयर है तो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट दोस्तों VVL, ओ VVL के अंदर हमने देखा लास्ट कुछ दिनों से थोड़ा कमजोरी। चलिए मैं आपको सबसे पहले अपडेट के ऊपर लेके चलता हूं, बाकी बाद में करेंगे। तो देखिए आज की डेट पे यहां पे डेट है आज 11 फरवरी को लगभग 12:30 बजे के आसपास लेटेस्ट अपडेट है। होल्ड करने का रिकमेंडेशन आया है जो कि ICICI डायरेक्ट की तरफ से, और टारगेट प्राइस दिया दोस्तों 1340 रुपये का। अब देखिए यहाँ पे जो एक्चुअली रीज़न वगैरह मेंशन किया कि कंपनी का सेल्स वगैरह इस बार गिरावट हुआ। अब देखिए आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि कंपनी प्रोडक्ट क्या बनाता है। कंपनी बनाता है सॉफ्ट ड्रिंक्स, जहाँ पे इसको मेजोरिटी ऑफ रेवेन्यू जनरेट होता है, राइट। अब बात यह है कि इंडिया के अंदर सर्दी के वजह से हमने देखा अक्सर ये होता ही है, मतलब हर दिसंबर क्वार्टर में आप उठा के देख सकते हो कंपनी का लास्ट 5 साल का जो कि बैलेंस शीट, सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगा जो सेल्स के अंदर ड्रॉप होता है, कंपनी का टोटल इनकम गिरता है, कंपनी का नेट प्रॉफिट गिरता है। क्योंकि जनरली हमने बात करें इंडिया के अंदर हम थोड़ा सा सॉफ्ट ड्रिंक्स को अवॉइड करते हैं सर्दी के टाइम पर, राइट। अब जैसे जैसे गर्मियों का मौसम अभी आता जाएगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी आपको सेल्स इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा। तो ऑब्वियसली ये जो मौका दे रहा है मार्केट आपको, इसको आपको आई थिंक ग्रैप करना चाहिए। बहुत ही कंसिस्टेंट रिटर्न देने वाला शेयर है। एक साल की बात करें देखिए इतना गिरने के बावजूद भी आज की डेट पे 110% का एकदम कंसिस्टेंट रिटर्न आपको दिख जाएगा। 5 साल की बात करें 561% का रिटर्न। लॉन्ग टर्म की बात करें तो आप देख लीजिए जब से लिस्ट हुआ तब से लेकर अभी तक बहुत ही अमेजिंग रिटर्न कमा के दिया, वो भी फुल कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए आराम से यहाँ पर आप जा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है एस्ट्रल लिमिटेड। तो लास्ट डे क्या हुआ किसी को समझ नहीं आ रहा कि भैया गिरा क्यों, मतलब शेयर की बात करें एक टाइम पे हमने देखा तो कुछ दिन पहले 2000 के ऊपर बहुत ही कष्ट करके यहाँ पे ऊपर आ चुका था, 2000-2100 के बीच में शेयर ट्रेड कर रहा था। अचानक से क्या हो गया, देखिए 2000 के ऊपर ओपन तो जरूर हुआ था 2030 रुपये के आसपास, एकदम से शेयर गिर गया कहीं ना कहीं दोस्तों लगभग 4.5% की गिरावट के साथ शेयर क्लोजिंग दे दिया। अब देखिए कंपनी का रिजल्ट इस बार बात करें तो ऐसा नहीं कि बहुत ख़राब था, मैं आपको एक बार दिखा के रखना चाहता हूँ, कुछ कुछ सेगमेंट पे गिरावट जरूर हुआ वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हुआ। ये देख सकते हो ये सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट है, इस बार यहाँ पे जो कि प्रिंट वगैरह नहीं हुआ। एनीवे दिसंबर रिजल्ट की बात करें, दिसंबर रिजल्ट जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला था। बात यह कि यहाँ पे एक मेजर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला लास्ट डे, तो बहुत लोगों को समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, तो बेसिकली एक प्रॉफिट बुकिंग हुआ, नॉर्मली ये है, कोई इंटरनल इशूज़ नहीं है। बाकी बात आज की डेट पर देखिए कुछ टाइम पहले का अपडेट है, 7:44 शाम को रिड्यूस करने का टारगेट दिया जो कि शेर खान की तरफ से, एक बहुत बड़ा ब्रोकरेज कंपनी है, और टारगेट प्राइस दिया 1825 का, जो कि कुछ टाइम पहले भी हमने देखा था एस्ट्रल का शेयर इसी लेवल के आसपास पहुंचा था और उसके बाद ही बाउंस बैक देखने को मिला। बाकी बात करें कंपनी अच्छी कंपनी है, अब देखिए इसी लेवल के आसपास आएगा या नहीं आएगा किसी को मालूम नहीं, कंपनी मार्केट लीडर कंपनी है। और आज की डेट पर हमने बात किया तो PVC सेक्टर के अंदर फिर से हमें डिमांड देखने को मिला, जैसे ऐसे यूरोपियन मार्केट के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे भी आपको जो कि इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। तो सिंपल भाषा में मेरे तरफ से बाई ऑन डिप्स में इसमें आप बाई करना शुरू कर सकते हो। बात करेंगे दोस्तों लास्ट एंड फाइनल अपडेट, बट उसके पहले अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके जरूर एनकरेज करना। HAL के ऊपर आज एक नहीं दो सॉलिड अपडेट है, मजा आ जाएगा। तो देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कि लगातार मैं आपको रेकमेंड किया था, एक तो अच्छा रिटर्न देता है साथ साथ डिविडेंड भी अच्छा देता है। हाँ इस बार डिविडेंड नहीं दिया, बट लास्ट टाइम दिया था 20 रुपये का, तो कंपनी डिविडेंड काफ़ी सॉलिड देते हैं, जब भी देते हैं काफ़ी सॉलिड देते हैं। तो आज की डेट पर कुछ ऐसा न्यूज़ आया है जो देखिए किसके तरफ से, HAL की चीफ की तरफ से, ठीक है, जो कि बोर्ड ऑफ हेड ऑफ द जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो यहाँ पे देखिए 84K मतलब 84,000 करोड़ का ऑर्डर अभी उनके अकॉर्डिंग पेंडिंग है, उसके साथ साथ 55,000 करोड़ का जो यहाँ पे ऑर्डर जो है वो कमिंग अप मतलब कंपनी को मिलेगा आने वाले समय पे, और 84,000 करोड़ का जो ऑर्डर है वो पेंडिंग है। तो आप समझ सकते हो कि कंपनी को किस लेवल का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। दूसरा न्यूज़ इसके ऊपर ही है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए लगभग 1 साल पुराना ये बात है कि कंपनी को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था, कहाँ से, मॉरिशस गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, बेसिकली जो कुछ हेलीकॉप्टर्स हैं लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो आज की डेट पे देखिए ये एकदम लेटेस्ट अपडेट है, HAL हैंड्स ओवर LAH Mark III टू मॉरिशस अहेड ऑफ शेड्यूल, मतलब जो टाइमलाइन दिया था, ठीक है, टाइम फ्रेम दिया था उसके भीतर भीतर कंपनी खुद इसको मैन्युफैक्चर करके हैंड ओवर भी ऑलरेडी कर दिया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है कोई भी कंपनी के रेपुटेशन के लिए। मतलब एक कंपनी को ऑर्डर मिला, कंपनी जो लिमिटेड टाइम दिया उसके अंदर ही टोटल जो प्रोडक्ट है उसको हैंड ओवर कर दिया। तो कहीं ना कहीं दोस्तों फ्यूचर में भी कंपनी को
बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, जो कि आप देख सकते हो चीफ की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया, जिस वजह से मैं आपको बोलूँगा इसके अंदर जितना हो सके बाई ऑन डिप्स में बाई करना शुरू कर दीजिए। बजट के दौरान थोड़ा बहुत कमजोरी देखने को जरूर मिला था, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा था बजट में इस बार, बट डिफेंस सेक्टर के ऊपर कोई बहुत बड़ा हमें अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिला, तो जिस वजह से बेसिकली डिफेंस सेक्टर की शेयर थोड़ा बहुत यहाँ पे करेक्शन हुआ था बजट के टाइम पे। तो अभी भी टाइम है जहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हो, धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हो। इसके अंदर सॉलिड यहाँ पे रिटर्न कमा के देगा, साथ साथ डिविडेंड भी आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो 2.32% इसका डिविडेंड यील्ड है। तो बाकी बात करें दोस्तों, कोई भी शेयर के बारे में आपको जानकारी चाहिए कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। इस वीडियो के अभी वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। तो दोस्तों, अगर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट नहीं है तो अपस्टॉक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जहां पे आपका ब्रोकरेज फीस ना के बराबर लगता है। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको सिंपली ये चार चीज़ों को तैयार रखना है, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, एक कैंसिल चेक एंड आपका सिग्नेचर, और आधे घंटे के अंदर आपका डीमैट अकाउंट बन जाएगा।